ये छोटी बंदरिया, ये छोटी और कैसी चल रही है आपकी दिवाली ज़रूर बताना मुझे। अभी सुबह के 11 या 12 बज रहे हैं और जस्ट मैं नहावा के रेडी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब जो आस पड़ोस के अंकल वगैरह हैं वो आने वाले हैं। और अब सबको पता है कि मेरी फर्स्ट दिवाली है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं सारे ही फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट दिवाली है, एक्साइटमेंट तो बनती है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी सबसे मिलवाती हूँ, देखते हैं सब क्या क्या कर रहे हैं। मैं सबसे पहले नहावा के रेडी हो गई हूँ, फर्स्ट मेरी दिवाली है। सो कोई आएगा और मैं अच्छे से ना दिखूँ तो अजीब लगता है, इसलिए मैं नहावा के रेडी हो चुकी हूँ। अभी मिस्टर हस्बैंड नहाएंगे, उनको जाना है कालका जी मंदिर, तो वो पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। एंड आज हमारे घर पे कौन कौन आता है देखते हैं, वेट करते हैं और क्या क्या होता है, पूरे दिन हम क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज का ये दिवाली ब्लॉग आप लोग को कैसा लगेगा ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। वैसे मुझे पता है आप लोग को हमारे ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे ये ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, बहुत नॉर्मल रेडी हुई हूँ। मैंने पहना ये वाला सूट, ये पूरा सूट कैसा दिखता है मैं अभी दिखा दूँगी आप लोगों को कि एक्चुअल में सूट कैसा दिखता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है आज, तो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? हैप्पी दिवाली विश करो पहले। हैप्पी दिवाली रात को विश करो। अच्छा रात को विश करो, पहले कहाँ जा रहे हो बताओ? कालका जी मंदिर, मुझे छोड़ के वो भी अकेले। ऐसे गंदे पति किसी के नहीं होते, मेरे हैं। जा रहे हैं कालका जी मंदिर मुझे छोड़ के अकेले। पहले मुझे इतना तैयार कराया गया तैयार कराया गया कि तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं देखो तैयार हो गई हूँ तो मुझे नहीं लेके जाया जा रहा है। काहे नहीं लेके जा रहा है आपको बता दीजिए। अगरवा के काम के करिए, घूमे चले जाए, नया बहू रहे के बाहर घूमे जाए के चाहिए, काम करे के चाहिए, काम कर पीट दो पीट दो। चलो जाओ, ये जा रहे हैं कालका जी मंदिर, हम रहेंगे घर पे। दिखाना क्या पहना है, कपड़े नए कपड़े हैं ही नहीं तो पुराने ही तो पहनोगे आप। जिसकी शादी हो जाती है ना, लड़के बेचारे गरीब ही हो जाते हैं। बाय करो। सो यहाँ मैं धनवा को कर रही थी तैयार क्योंकि धनवा की मम्मी रेडी हो रही थी, इसलिए मैं रेडी हो चुकी थी तो यहाँ धनवा को तैयार कर रही थी। उसके बाद मम्मी भी रेडी हो गई थी, मतलब नहा के पूजा वगैरह कर रही थी। और उसके बाद हम लोग बनाने लग गए रंगोली। ये स्टिकर वाली रंगोली है जो आप लोगों ने मेरी एक ब्लॉग में देखा होगा, मैंने वीडियो अपलोड की थी, जिसने मुझे भेजी थी उनकी आईडी भी मैं इंस्टाग्राम की अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइज, आप लोग देख सकते हो। और ये हैंडमेड भी है, दोस्तों के साथ मनाते हैं। और मेरी मम्मी ने दिवाली पूरी सफाई में निकाल दिया, अभी भी सोच रही है कि यहाँ कुछ रह गया है। जाओ मम्मी अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाने, अभी एकदम नीचे उठा। और अपने साथ साथ बेचारे इन सारे भैयाओं को भी दिवाली की मनाने दिया मम्मी ने। राजू फटाफट कर लो बेटा, और मम्मी तो देख लो मेरे भाई कह रही है ये। और क्या, आप मम्मी ने अपनी सफाई में आपको भी काम करा दिया। इसको भी बोरी में रख देना चाहिए। हैप्पी दिवाली। फिर मैं फूलों से रंगोली बना रही थी बट जो फ्लावर्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे और रात को ही आ गए थे तो इसीलिए ख़राब भी हो गए थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। बट मैंने ट्राई किया फिर भी नहीं बन पा रहा था तो लास्ट में मैंने छोड़ दिया। दिवाली। आज हमारा छोटा भाई आ गया हमारे घर। आशीर्वाद ले लो छोटे भाई से। दे दो आशीर्वाद। सतस्वरा धीरे से बोला, तेज बोलो।
सदा स्वागत है। ये मेरा छोटा भाई मुझे आशीर्वाद दे रहा है। अब बाबू कौन आया? बेबेक मामू। बेबेक मामू। अरे कौन लाया किंडर जॉय? विवेक मामू। मम्मी चली गिफ्ट देने हमारी आंटी को। सो यहाँ पे मम्मी गिफ्ट्स दे रही थी जो हमारे यहाँ थोड़े से काम वगैरह करते हैं अंकल आंटी वगैरह, सो उनको ही साड़ी वगैरह दे रही थी ये सब चीज़ें। तो ऐसे ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। प्लीज़ यार अब इस टॉपिक पे कोई ये कमेंट करके मत बोलना कि शो ऑफ कर रहे हो। ब्लॉग है तो इसमें डेली हम क्या क्या करते हैं, क्या होता है, वो सब तो दिखाना होता ही है। तो ये है आंटी जिनको मम्मी को ये सब चीज़ें देनी थी, और एकदम से पापा जी आ गए थे तो मैं अपनी चुन्नी ढूंढने लग गई थी। सो आप लोग देख सकते हो मम्मी को अच्छा लगता है ये सब करना, मतलब देना किसी को, क्योंकि सबकी दिवाली होती है ना, तो इसीलिए गिफ्ट्स तो देने चाहिए। तो यही अंकल आंटी हैं जो हमारे यहाँ थोड़ा सा काम वाम करते हैं, ये उनके बेटे हैं शायद। और उसके बाद इनको मम्मी ने साड़ी वगैरह मिठाई वगैरह दिए थे, पैसे वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने इनको पटाखे भी दिए थे, बहुत डर डर के दिए थे हमने पटाखे क्योंकि भैया लेके आए थे और भैया थे नहीं, तो हमने बिना पूछे तो हम यहाँ कन्फ्यूज़ थे क्या दे क्या नहीं। फिर हमने ये दिए थे तो मम्मी ने बोला एक और दे दो, तो फिर हमने एक और दे दिया था। अभी आप लोगों को दूसरा ब्लॉग भी देखने को मिलेगा गाइस। एंड ये आ गए हैं मंदिर से, और ये है राजा बाबू भाभी के छोटे भाई जो अभी भी आए हैं आपने देखा। सो यहाँ पे मंदिर से आ गए हैं और अपनी रंगोली की तैयारी कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है ये सब करना तो यही बना रहे हैं। और यहाँ देखो धनुआ मेरा कर रहे हैं मेकअप, हमें देखते हैं ना करते हुए तो लेके आए और करने लग गए चाची दो मैं करूँ, बहुत शैतान हो गए हैं आजकल ये। और उसके बाद यहाँ बन रही है रंगोली फ्लावर्स वाली, इनको कलर्स वाली रंगोली नहीं अच्छी लगती है। और ये पूजा के लिए कमल का फूल लेके आए थे, यहाँ पे चढ़ता है लक्ष्मी जी को इसलिए, और ये रंगोली बनाने में व्यस्त हो गए हैं। मैं ऐसे बैठ के देख रही थी, मैंने कोई हेल्प नहीं किया था, सच बता रही हूँ, मैं बस देख रही थी क्योंकि फिर एक ही जने के माइंड से बने रंगोली तो सही होता है, अब थोड़ा सा मैं कुछ करूँ थोड़ा सा ये तो फिर गड़बड़ हो जाती, तो इसीलिए यही कर रहे थे। इनको चीज़ें करना अच्छी लगती है और यही फ्लावर्स फिर लेके आए थे तो इसलिए बना रहे हैं ये। और यहाँ पे मैं बैठ के बस ऐसे ही इनके जो थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी, बाकी कुछ नहीं किया है मैंने। बहुत ज़्यादा सुंदर रंगोली बनाई थी, आप लोग देखना, मैं लास्ट में पिक्चर्स वगैरह अपलोड करूँगी। एंड गाइस आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि जो नेक्स्ट बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग आएगा इसके बाद, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दो पार्ट में अपलोड कर दूँगी। तो जिसमें पटाखे वगैरह जब हमने जलाए तब का होगा, एंड साथ में आपके जीजू ने आप लोगों से बहुत सारी बातें की हैं तो वो भी, आप लोग को अपनी जीजू की बातें अच्छी लगती हैं तो वो भी देखना, आप लोग ज़रूर देखना, इसके बाद अपलोड करूँगी मैं। सो यहाँ पे हम बैठ गए हैं संस्कारी बहू बन के क्योंकि पापा जी आ गए थे इसलिए। पापा जी से हम लोग सर पे पल्लू रखते हैं, बाकी हम नहीं रखते हैं मम्मी वगैरह से, बस पापा जी और जो भी मामा जी वगैरह हैं बड़े हैं उनके आगे हमें सर पे पल्लू रखना होता है। सो अभी मेरा ये सूट कैसा लग रहा है अभी बताना, मैं आपको फुल वीडियो में दिखा दूँगी कि एक्चुअल में कैसा दिख रहा है, मेरी शादी के टाइम का है अब पहना है मैंने, क्योंकि शादी के टाइम पे कितने हैवी हैवी सूट होते हैं, यूज़ तो होते नहीं है, तो ऐसे ही कुछ फेस्टिवल पे पहने जाते हैं, बाकी वरना तो रखे ही रह जाते हैं हमेशा संभाल के। तो यहाँ पे इनकी रंगोली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है एंड मैं पोज दे रही थी, देखो कितनी ज़्यादा सुंदर बनाई है ना इन्होंने, बहुत सुंदर लग रही है। आप लोग को कैसी लग रही है ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। और रंगोली बनने के बाद हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और देन किचन में चले गए अपना शाम का खाना बनाने, क्योंकि हमने सोचा कि पहले शाम का खाना वगैरह कर लेते हैं उसके बाद रेडी होंगे, वरना फिर हो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ मैं प्याज के पकौड़े बना रही थी और उसके बाद आलू वगैरह के, मतलब हमारे यहाँ पर ना पकौड़े वगैरह बनते हैं, और यहाँ पर ये दिया वगैरह रख रहे थे कि मतलब रेडी होकर जलाएँगे। कुछ लिया है तो बता देना आप लोग कैसा लग रहा है भैया का कुर्ता, देखो पूछो पूछो कैसा लग रहा है मेरा कुर्ता कैसा लग रहा है? मुझसे कम अच्छा लग रहा है मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। हैप्पी दिवाली बंदरिया, देखो साड़ी पहन के कैसी लगती है, देख लो ये देखो दूसरी दोनों बंदरिया हमारे जैसी लगती है, हमारे जैसी लगती है, ये छोटी बंदरिया, ये छोटी बंदरिया, और ये देखो।
एंड यहाँ पे पापा जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, पूजा पापा जी करते हैं, सो वो तैयारी कर रहे थे। हमारे देवर जी पधार चुके हैं। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। और कितने सालों बाद आप यहाँ आए हैं बता दीजिए। उस साल 2-3 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए हैं। और पता है ये क्यों आए हैं? क्योंकि मेरी फर्स्ट दिवाली इसलिए है। यस, भाभी की फर्स्ट दिवाली थी इसकी। मेरी फर्स्ट दिवाली। तो नाच के दिखाओ, पहली दिवाली आपकी। एंड मैं यहाँ पापा जी की थोड़ी हेल्प कर रही थी, जो जो उन्हें चाहिए था वो लाला के दे रही थी। सो यहाँ पे हम दिया जलाने के लिए बैठ गए हैं, मैं बैठी हूँ। मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और यहाँ मम्मी हम सबको टीका लगा रही थी। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए मम्मी लेटी हुई हैं, तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कर देना। और यहाँ पे सब लोग टीका लगवा रहे थे बारी बारी से, तो अभी भैया भाभी भी लगवाएंगे, सब ने लगवाया था। ये रोज दूल्हे बनते हैं आजकल, पता है अंकित आपको? आज ये फिर दूल्हे बन गए हैं, फिर से तैयार हो गए। हमेशा ये इंसान मुझे वो कर देते हैं, मैं इतना सस्ती वो सवारती हूँ, इतना मेकअप करती हूँ, और ये देखो ये क्या करते हैं मेरे साथ। खाली एक गंदे से कपड़े पहन के हीरो बन जाते हैं। और एक और हीरो है हमारे पास। उसके बाद मिस्टर हस्बैंड ने लगवाया था, क्योंकि ये रेडी हो रहे थे इसलिए सबसे लेट आए थे बाहर निकल के। फिर इन्होंने टीका लगवाया, उसके बाद हमने मम्मी से आशीर्वाद लिए दोनों जनों ने। तो मम्मी बहुत अच्छे से आशीर्वाद देती हैं हमेशा, बट मुझे म्यूट करना पड़ गया था कुछ रीज़न की वजह से। और यहाँ भी मम्मी आशीर्वाद दे रही थी और हम कुछ बात पर हंस रहे थे। और फिर हमने दिया जलाया सब ने मिल के, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने दिवाली पे। आप लोग देखो, आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा आई होप। तो वहाँ पे हम दोनों मिलके दिया जला रहे थे, हमारी फर्स्ट दिवाली है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड है। ऐसा नहीं है कि हम सेकंड दिवाली में नहीं होंगे, हम सेकंड दिवाली में भी इतने ही एक्साइटेड होंगे, बट अभी फर्स्ट है ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ऐसा लग रहा है। तो इसके बाद हम लोग दिया लेके चल रहे थे। आपके जीजू भी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। देखो कितने ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। आप लोग को कैसे लग रहे थे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताना। आज मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है सीरियसली में आप लोग को हम कैसे लग रहे थे, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बताना। फिर यहाँ हमारे देवर जी आ गए, हम लोग सब लोग साथ में मिलके दिया वगैरह रखने लग गए। धनुआ चाची कैसी लगी है बताओ बताओ? अच्छी है। अब है आप कैसी लगी हो? अच्छी है। चाची को पूछ कर दे पीछ पीछ। अच्छा ये कैंडल जलाऊं मैं? ऊपर जला के आऊं? फाइनली हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट। और अब हम जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं अब हम?
और ये भी बोल दो ना, लोग बोलेंगे कि बैन है, ये है वो है, वो हम बाद में कहेंगे। हाँ, ये आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। ओके, चले 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 ए देवर जी, चले चलो।